आज अकीदत पेश करता हूं कि जिन्होंने इस तहरीक को जिंदा रखा और हमको एक रास्ता देखेंगे ताकि हम उस पर चलते रहें। आप लोगों ने मेरे आने से पहले बहुत सारे लोगों ने बातें की होंगी इंशाअल्लाह, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा सरदार इम्तियाज साहब से और बाकी साथियों से, शायद सरदार इम्तियाज साहब ने मुल्ला सोनसा के लिखे हुए पढ़े, आया क्या उनके इस नजरिए के मुताबिक हम लोग अमल करते हैं? हम उस नजरिए को लेकर चलते हैं। मैंने सजी से कहा कि मैं ना ही बोलूं तो अच्छा, नाराजगी की बात नहीं है, नाराज नहीं होना, लेकिन हकीकत जो हम कहते हैं उसको हमें करना चाहिए। मैं इस चीज का कायल हूं, मुझे एक रब आलमीन का खौफ है, बात सबको भी यही है, लेकिन जो हम कहें उसमें हम अमल भी करके देखा तब बात है। हमारे कायदीन ने हमें एक रास्ता दिया, हमारी एक मंजिल, हम सब ने मिलकर उस मंजिल की तरफ चलना है। हमारा दुश्मन ताकतवर है, उसके खिलाफ अमली की तरबियत करनी है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सब अपने नजरिए को अमनुल्लाह खान साहब के नजरिए के मुताबिक जो उन्होंने मंजर जो रास्ता उन्होंने हमें दिया, आप लोग उस नजरिए के मुताबिक मिलकर बैठे। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, न पाकिस्तान से है न किसी और से, लेकिन हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ जमातों में बटे हुए हैं और अपनी मंजर को हमने छोड़ा हुआ, और हम इसीलिए धटके हुए हैं और हमारी माए बहनों और भाई थके हो रहे हैं, उनकी असूते लुटी जा रही है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सब जैसे यहां मिलकर बैठते थे, इसी तरह हमारा एक नजरिया भी होना चाहिए, हमें उसको लेकर चलना चाहिए। जब हमारा मुल्क आजाद हो जाएगा उसके बाद आप सब लोग जैसे पूरी यादव फैसला करेंगे हम सब उसके साथ चलेंगे, लेकिन इस वक्त यह जल्दी की जरूरत है और हमारा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मुझे इस चीज से तकलीफ हो रही है, तो कोई पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बोल रहा है, कोई तहरीक इंसाफ के मंजिल से बोल रहा है, कोई नूर लीग की मंजिल से बोल रहा है, ये रास्ते हमारे नहीं हुए। हमारा एक रास्ता होना चाहिए, हम उस पर चलें। जब हमारा मुल्क आजाद हो जाए तो जो फैसला आप सब मिलकर करेंगे, लिबरेशन फ्रंट वाले सब उसके साथ हुए। उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों ने इस जमा में ये शिकवा किया कि आप लोग वहां बरसात की बस्ती हुई उस सब का नाम लिया, तो जनाब है मेरे कायद, मैं उनको भी कायद ही मानता हूं, बाबा एक मुख्तार हम रशीद असद साहब का नाम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि उस आदमी ने तो बहुत बड़ी कुर्बानियां दी थी, आप सब लोगों ने उसको बुला दिया, हमने सब प्रोग्राम देखा, सब तकदीरें सुनी। तो मैं जिन लोगों को इस चीज से सदमा हुआ है मैं उनसे भी माजर चाहता हूं, और हम रशीद असद साहब की उसी तरह राजी हकीकत पेश करते हैं कि जैसे हम बाकी हमारे कायदे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी बात दोबारा गुजरी हो किसी पेजार करूंगा हम आला है।